एक अपने निकाला बेटा एग्जांपल नंबर 6 क्वेश्चन एडिट करो क्या क्वेश्चन फॉलोइंग बैलेंसेस आर टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ कुबेर लिमिटेड एज ऑन 31/3/2017 स्टेट हाउ दिस बैलेंसेस विल बी शोन एज पर शेड्यूल कोड ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सबसे पहले क्या लिखा हुआ है बेटा लैंड एंड बिल्डिंग स्टूडेंट्स आपको मैंने जो लिस्ट भेजी थी उसमें देखो बेटा आपको लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पे दिखता है फिक्स एसेट्स में किस पे दिख रहा है बेटा आपको टेंजिबल बच्चों ध्यान से समझना बेटा तो ये सब हेडिंग में हम लोग लिखेंगे टेंजिबल डैश फिक्स्ड एसेट्स क्लियर बेटा मैं अब आप लोगों को जो फॉर्मेट मैंने लिखा है ना बेटा उस फॉर्मेट में चेक करो टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स के ऊपर नंबर वन क्या लिखा हुआ है बेटा नॉन करंट असेट वो तुम्हारी होगी मेन हेड नॉन करंट असेट नॉन करंट असेट के ऊपर सबसे मेन क्या लिखवाया हुआ बेटा ये आप लोगों की होगी बैलेंस शीट हेडिंग क्लियर हो गया बेटा मैं सब लोगों को सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग किसमें आता है टेंजिबल में तो सब हेडिंग में हम लोग लिखेंगे टेंजिबल फिक्स्ड असेट टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स किसके अंडर में आता है नॉन करंट असेट वो हो जाएगा हमारा मेन हेडिंग नॉन करंट असेट किसके अंडर में आता है असेट वो हो जाएगा हमारा बैलेंस शीट हेडिंग क्लियर बेटा मैं सबको कोई कंफ्यूजन किसी को नंबर टू देखो क्या है बेटा शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी चेक करो बेटा शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी कहां पे दिख रहा है शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी कहां दिख रहा है बेटा आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये आ जाएगा आपकी सब हेडिंग अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के ऊपर नंबर वन क्या लिखा हुआ है बेटा देखो नॉन करंट असेट और सबसे ऊपर असेट बच्चों नंबर टू क्लियर बेटा सबको कोई कंफ्यूजन आगे बढ़ू बेटा नंबर थ्री क्या लिखा हुआ है देखो चेक करो बेटा डेटर्स कहां पे आ गए तो यहां लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल सब ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर देखो आपको नंबर टू क्या लिख रहा है नंबर टू क्या लिख रहा है करंट असेट ये किसके अंडर में आता है करंट असेट और ऊपर बैलेंस शीट है असेट्स नंबर थ्री क्लियर बेटा सबको कोई कंफ्यूजन नंबर फोर क्या दिख रहा है चेक करो बेटा क्लोजिंग स्टॉक कहां पे आता है सारे के सारे स्टॉक एक ही में आते हैं बेटा चेक करो इन्वेंटरी तो यहां लिखेंगे हम लोग इन्वेंटरी इन्वेंटरी किसके अंडर में आता है बेटा करंट असेट के नॉन करंट असेट तो यहां लिखेंगे अपन करंट असेट और बैलेंस शीट रेडी हो जाएगी असेट्स नंबर फोर क्लियर बेटा सबको कोई कंफ्यूजन नंबर फोर में नंबर फाइव चेक करो क्या दिया है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें जाएगा बेटा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट चेक करो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किसमें जाएगा चेक करो करंट इन्वेस्टमेंट तो यहां लिखेंगे अपन करंट इन्वेस्टमेंट किसमें जाता है बेटा करंट असेट और करंट असेट्स के ऊपर बैलेंस शीट हेडिंग हो जाएगी असेट्स मैं क्लियर बढ़ो बेटा सब लोगों को कोई कंफ्यूजन याद है आगे बढ़ो बेटा नंबर सिक्स देखो क्या दिया हुआ बैंक बैलेंस चेक करो बेटा बैंक बैलेंस किसमें आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो यहां लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट किसमें आता है बेटा करंट असेट्स करंट असेट्स और ऊपर बैलेंस शीट हेडिंग क्या आ जाएगी बेटा असेट्स सिक्स नंबर क्लियर बच्चों आगे बढ़ो बेटा सेवन नंबर क्या है देखो गुडविल किसमें आता है चेक करो इनटेंजिबल यहां लिखेंगे इनटेंजिबल डैश फिक्स्ड असेट्स वो किसके अंदर में आता है बेटा नॉन करंट यहां लिखेंगे नॉन करंट असेट्स और बैलेंस शीट हेडिंग क्या हो जाएगी बेटा असेट्स सेवन नंबर क्लियर बेटा सब लोगों को एट नंबर चेक करो क्या दिया है फर्नीचर किसमें आता है बच्चों चेक करो टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स
टेंजिबल फिक्स्ड असेट किसके अंदर में आता है बेटा? नॉन करंट असेट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? असेट्स। एक नंबर क्लियर बेटा? नहीं। कस्टम डिपॉजिट चेक करो किसमें आता है बेटा? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। अब लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस किसमें जाता है बेटा? चेक करो किसमें? नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट एंड बैलेंस शीट रीडिंग आ जाएगी असेट्स। नाइन नंबर क्लियर बेटा? नंबर टेन क्या है? ट्रेडमार्क किसमें आता है बेटा? यहां लिखेंगे इनटेंजिबल फिक्स्ड असेट। इनटेंजिबल फिक्स्ड असेट किसके अंडर में आता है बेटा? नॉन करंट असेट। और बैलेंस शीट रीडिंग क्या हो जाएगी बेटा उसकी? असेट्स। नंबर टेन क्लियर बेटा सबको? यहां तक कंप्लीट करो बेटा तो आगे कंटिन्यू करें।
स्टूडेंट्स अब 11 से कंटिन्यू करेंगे बेटा। स्टूडेंट्स चेक करो बेटा 11 नंबर क्या दिया हुआ है। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम किसमें आएगा बेटा? अदर करंट असेट उसके ऊपर हेडिंग क्या दी हुई है बेटा? करंट असेट्स। और बैलेंस शीट हेडिंग क्या है? असेट्स। चलो 12 नंबर बिल्स रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल किसमें आता है बेटा? करंट असेट्स किसमें आता है? 13 नंबर क्या है बेटा? स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स किसमें आता है बेटा? चेक करो इन्वेंटरी किसके अंडर में आता है? करंट असेट। और बैलेंस शीट हेडिंग क्या हो जाती है बेटा? 14 नंबर लोन टू पैकेज में कोई डेट है बेटा? नहीं दी हुई है तो ये किस में जाएगा बेटा? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगर डेट नहीं दी तो वो लॉन्ग टर्म है। उसके ऊपर आएगा नॉन करंट असेट्स और बैलेंस शीट हेडिंग आएगी असेट्स। 14 नंबर क्लियर बेटा सबको? 15 नंबर क्या दिया हुआ है? गवर्नमेंट एनी डेट क्या दिया हुआ है ब्रैकेट में? स्टूडेंट्स ऊपर आपका जहां पे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वहां पे डेट कौन सी दी हुई है बेटा? इसका मतलब ये करंट ईयर में ही इसका पैसा आपके पास आने वाला है। तो ये जो है ना बेटा ये आएगी हमारी करंट इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है गवर्नमेंट की बॉन्ड्स है ये हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट नॉन करंट भी हो सकता है करंट भी हो सकता है। अगर ब्रैकेट में डेट हमारी करंट ईयर की दी हुई है तो वो इन्वेस्टमेंट हमारा करंट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अगर सपोज यहाँ पे डेट 18, 19, 20, 21 मतलब 17 के बाद की डेट होती तो वो हमारे लिए क्या हो जाता? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बन जाता। क्लियर हो बेटा? मैं यहां तक एनी कंफ्यूजन ना आगे बढ़ेंगे। करंट इन्वेस्टमेंट किसके अंदर आता है बेटा? करंट असेट। और बैलेंस शीट रेटिंग उसकी क्या होती है? असेट्स। 16 नंबर क्या दिया है? प्रीपेड मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस किस पे आता है बेटा? प्रीपेड एक्सपेंसेस अदर करंट असेट। ओके अदर करंट असेट किस पे आता है बेटा? करंट असेट्स। और बैलेंस शीट रेटिंग आती है असेट्स। 16 नंबर क्लियर बेटा सबको? 17 नंबर क्या दिया हुआ है? फिक्स डिपॉजिट विद बैंक। ब्रैकेट में कोई डेट क्या दी हुई है? डेट। चलो ये किस में जाएगा बेटा? हमारा बैंक में एफडी पड़ा हुआ है ये किस में जाएगा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। कैसे पता चला नॉन करंट इन्वेस्टमेंट? डेट 17 के बाद। अगर 17 की डेट होती इसका मतलब वो क्या हो जाता? करंट इन्वेस्टमेंट हो जाता। ये 17 की डेट के बाद है तो ये हमारा हो जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। उसके ऊपर की हेडिंग नॉन करंट असेट्स और बैलेंस शीट की हेडिंग असेट्स। 17 नंबर क्लियर बेटा? 18 नंबर क्या दिया हुआ है? लूज टूल्स किसमें आता है? इन्वेंटरी। इन्वेंटरी आएगा करंट असेट और बैलेंस शीट हेडिंग आएगी उसकी असेट्स। 19 नंबर बोलो बेटा
लोन टू डायरेक्टर्स, ब्रैकेट में कुछ लिखा है बेटा? टेम्पररी। तो ये किसमें जाएगा? अब लोन जो है ना बेटा, वो दो पार्ट में आता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। यहाँ पे टेम्पररी लिखा है, टेम्पररी का मतलब लोग किसी साल में उनसे पैसा ले लेंगे, तो ये क्या कहलाएगा? शॉर्ट टर्म। यहाँ लिखेंगे शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। अगर ब्रैकेट में टेम्पररी नहीं लिखा होता तो हम लोग किस पे डाल देते बेटा? नॉट लॉन्ग टर्म। ओके बेटा, अब शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस किसके अंदर में आता है? करंट असेट्स, और उसकी बैलेंस शीट आइटम क्या हो जाती है? असेट्स। 19 क्लियर स्टूडेंट्स? 20 क्या लिखा हुआ है? प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। किस पे जाएगा बच्चों? इन्वेस्टमेंट है तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वो किस पे आता है? नॉन करंट असेट्स और बैलेंस शीट आइटम असेट्स। कंसेप्ट क्लियर बेटा सब लोगों का? कोई कंफ्यूजन? सम कंप्लीट कर।